अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आज फैजाबाद अयोध्या में भी यहां पर जो कार्यकर्ता जो उनके जिला अध्यक्ष की पूरी टीम आम आदमी पार्टी की यहां पर मौजूद है और जिस तरह से लोग रोड शो के लिए निकले हैं मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आज यहां पर निकल रहे हैं। देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, सभी देखिए यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं और धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं मुर्दाबाद और नारे लगा, क्योंकि कल रात को अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तारी को लेकर आज सारे कार्यकर्ता अयोध्या की टीम आम आदमी पार्टी की टीम यहां पर मौजूद है और बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रशासन भी उनको समझा रही है, रोकने की कोशिश कर रही है कि आप लोग आगे ना बढ़ें, रोड शो ना करें, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। क्या क्या मामला है, किस तरह से आप लोग आज निकले हैं यहाँ पर? ये देखिए, आम आदमी पार्टी एक जो अरविंद केजरीवाल जी का जो नीति है, आज जो कथित घोड़ा दो साल से ये डिफेंस ये चल रहा है, शराब घोटाला हुआ, आज हमारे संजय सिंह जी का पर कोई एक पैसा का गिरफ्तारी में कुछ नहीं मिला, ऐसे सिसोदिया जी पर मिला, ऐसे ही आज अरविंद केजरीवाल जी पर 22 अप्रैल तक इन लोग के बोलने की इतना क्षमता नहीं रही कि 22 अप्रैल तक रुक सके कि जो कोर्ट ने कहा, कोर्ट को भी बात वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। शाम को आती है ईडी, आती है अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है, जो तानाशाही रवैया चल रही है सरकार की, विपक्षों पर रेड मार रही है, वही हेमंत बिश्व शर्मा है जिसने ये मोदी जी ने बुकलेट बंटवाया था, आज वही हेमंत बिश्व शर्मा जब पार्टी में ज्वाइन हुआ तो आज उसका भ्रष्टाचार मूज हुआ। हमारा मांग है कि ये गलत तरीके से अवैध तरीके से गिरफ्तारी हुआ है, आज ये कई ईमानदार नेता को गिरफ्तारी किया गया है। देश के इतिहास में आज कल का दिन काला दिन था, आज जैसे बोलती भारतीय जनता पार्टी आज वो सब देखिए बिल्कुल लगे ये टीम यहाँ पर निकल रहे हैं और जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि टीम यहाँ पर हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी आ रहे हैं। आज बिल्कुल यहाँ पर प्रभा साक्षी की टीम मौजूद है और जिस तरह से ये रैलियाँ चल रही हैं और यहाँ पर निकल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बात करने की कोशिश करूँगा। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग है जिस तरह से तानाशाह मोदी सरकार हमारे प्रत्येक नेता को जेल में डाल के जो जनता को दी जा रही सुविधाएं उसको रोकना चाहती है, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लगातार पहले सिसोदिया जी को, फिर संजय सिंह जी को और अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके मोदी जी अब पूरी तरह से साबित कर रहे हैं कि वह पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरे हुए हैं। जनता की जो सुविधाएं केजरीवाल जनता को दे रहे, दिल्ली की जनता को, वो सुविधाओं को रोकना चाहते हैं। जिस तरह से 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने का वादा किया गया, इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार डरी और घबराई हुई है। जिससे चुनाव हुआ इसके बाद अचानक ही केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई, क्या लगता है कहीं ना कहीं हार का सामना देखने को? नहीं, आम आदमी पार्टी भारी जितनी सीटें मिली है 100% सीटों पर जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा देती है, 40 पर सिमटने वाली है, यही डर भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे नेता को गिरफ्तार करी हुई है। सर किस क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, क्या कहेंगे सर किस तरह से आज जिस तरह से यहाँ पर आप लोग रोड पर निकले हैं, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे इसके लिए? ये तो बहुत गलत बात है कि एक चीफ मिनिस्टर जो इतना बेहतरीन काम कर रहा है, जो शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पानी के मामले में जो व्यवस्था कर रहा है, उसको जो है गिरफ्तार करना, ये बहुत ही गलत बात है। ये तानाशाही गवर्नमेंट की सरकार, दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने जो है लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को मत देके दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के बदौलत तथा कथित शराब घोटाले पे लगातार 2 साल से जांच चल रही है और उन 2 साल की जांच में एक भी पैसे का रिकवरी नहीं हुई है, और लगातार जो है केंद्र की बैठी मोदी सरकार ने जिस तरह से हमारे टॉप लीडरशिप संजय सिंह राज्यसभा सांसद, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री, सत्येंद्र जैन अभी हाल ही में आपने एक अमेरिकी न्यूज़ में छपा था मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, तो आम आदमी पार्टी जो है जनता के लिए काम कर रही है और जनता के लगातार जनता से उसका जुड़ाव बढ़ रहा है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ये देख रही कि आज आम आदमी पार्टी आने वाले भविष्य में हमारी कॉम्पिटिटर है, अगर उसको किसी से खतरा
जुड़ा है तो आम आदमी पार्टी से है। तो उसने कल हमारे चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवा कर जेल भेज दिया। तो उसी के संबंध में आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं छोड़ा गया है, हमारा प्रोटेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अगर उन्हें जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया जो है तो ये धरना प्रदर्शन व्यापक रूप लेगा। गिरफ्तारियां चुनाव समय पर ही हो रही है, क्या लगता है गठबंधन से कहीं ना कहीं सरकार को डर है या कहीं कोई भय नजर आ रहा है? देखिए ये विपक्ष को जो है सारे विपक्ष को जेल में डाल देना ये बिल्कुल गलत है। इसमें चुनावी पर्व है, 2024 का चुनाव घोषित हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, अब उस पर गठबंधन के नेताओं को जो है जेल में डालना ये गलत है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे एनसीपी के शरद पवार जिस पर माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो है 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का जो है खुले मंच से उन्होंने आरोप लगाया, उसके दो दिन बाद उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है वो वॉशिंग मशीन से धुल के एकदम साफ हो जाता है, और आम आदमी पार्टी के झूठे आरोप लगाकर हमारे टॉप लीडरशिप सारे लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। क्या मांगे थी आप लोगों? मांगे हम लोगों ने गांधी पार्क से बस कलेक्ट्रेट तक जाना था, लेकिन केंद्र की बैठी मोदी सरकार तानाशाही सरकार ने जो है हमें वहां तक जाने नहीं दिया। तो हमारी मांगे ये है कि अगर हमारे चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया तो ये प्रदर्शन व्यापक रूप लेगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए जो है ये कहाँ की एकदम तानाशाही चल रही है। इस तरह की तानाशाही लोकतंत्र में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। आज लोकतंत्र जो है खतरे में है, उसके खिलाफ देश के लोगों को उतरना चाहिए। देश के 140 करोड़ लोगों को जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए बिल्कुल इस बार परिवर्तन करना चाहिए। गिरफ्तारी हुई जी, जी क्या लगता है चुनाव करीब आते ही गिरफ्तारियों के लिए दौर शुरू हुआ है जी, तो जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो हमारे नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है दिल्ली में लगातार, ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही है। लोकसभा में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें हार रही है, उन्होंने 6 प्रत्याशियों के चेहरे बदल दिए हैं और बराबर भय उनको बना हुआ है कि माननीय केजरीवाल जी अगर दिल्ली में प्रचार करते रहेंगे तो हमें एक भी सीट नहीं मिलेगी। इस डर से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनकी जांच एजेंसियां ईडी सीबीआई बौखला गई हैं और हमारे नेताओं की गिरफ्तारी कर रही हैं, और 2 सालों से लगातार गिरफ्तारियों में होने के बावजूद भी अभी तक कोई तथ्य खुल के सामने नहीं आया है। पीएमएलए कोर्ट के धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया जिससे जब तक मामला क्लियर ना हो किसी की जमानत ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं सोची समझी राजनीति, सुनियोजित राजनीति के तहत जो है हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। देखिए महागठबंधन में भी आपकी पार्टी है जी, लेकिन न तो कांग्रेस न तो सपा जी जी अदर पार्टी आपके धरने में कहीं दिखाई दी, ऐसा क्या था? देखिए हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक माननीय केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, हम लोग को ऊपर से जो मैसेज आया था कि पार्टी का प्रोग्राम है, अपने नेता की गिरफ्तारी हुई है, तो अपने नेताओं को लेके अपने कार्यकर्ताओं को लेके हम शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी देख रहे होंगे आप त्यौहार आने वाला है, त्यौहार बीत जाए इसके बाद राष्ट्र स्तर पर देशव्यापी आंदोलन हम लोग करेंगे जिसमें पूरे देश के कार्यकर्ता दिल्ली इकट्ठा होंगे, कूच करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सड़क मार्च भी करेंगे। वहाँ सड़कों पर हमारे नेताजी को गिरफ्तार जो किया गया है तो उसमें जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जैसा कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग एक तथ्य आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बताएं तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कितने का मामला है सामने आना चाहिए। आप ये तथ्य सामने नहीं ला रहे हैं और सिर्फ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेताओं को पकड़ रहे हैं। तो हमारी मांग है वर्तमान सरकार से, माननीय मोदी जी से हमारी मांग है कि आप हमारे नेता को गिरफ्तार किए हैं तो गिरफ्तार किसी की गिरफ्तारी की कोई वजह होती है तो वो वजह सामने आनी चाहिए किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किए क्योंकि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सर को ईडी सीबीआई ने जो है बिना कोई सबूत के उनको अंदर कर दिया है। हम लोग सभी
कार्यकर्ता मिलके यहाँ पे गांधी पार्क में आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रैली निकाले थे, पुलिस प्रशासन लोगों ने मना कर दिया, जाने नहीं दिया, आचार संहिता करके अंदर कर दिया है। लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे अपने मुख्यमंत्री के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को अंदर कर देंगे बिना कोई सबूत के, जैसे कि हमारे संजय भैया भी आवाज़ उठा रहे थे गरीबों के लिए, मसीहा के थे और उनकी भी आवाज़ दबा रहे थे, कोई जो है सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उन लोगों के ऊपर वो हुआ कि जब अभी तक जो है कोई सबूत नहीं मिला तो छोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। एक तारियां चुनाव समय ही क्यों हो रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं, भाजपा वाले सारे और मुख्यमंत्री, अरे प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, वो डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी के लोग जीत जाएं और हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में ही केजरीवाल सर जीत जाएं और हम लोग हार जाएं। इसलिए एक एक करके हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सबको अंदर कर रहे हैं ताकि एक एक करके तोड़ देंगे पार्टी हमारी, मतलब टूट जाए आम आदमी पार्टी। बस हमारे मुख्यमंत्री जी को रिहा करें बस। देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी यहाँ पर बिल्कुल निकली, रोड शो के लिए निकली है और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या से अपने सहयोगी के साथ प्रभा साक्षी के लिए तूफान अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।